तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें स्वॉर्ड कॉन्फ्रेंस दिखाया जाता है, जहां पर शंघाई रैलम के सभी पावरफुल फैमिली के मेंबर्स मौजूद होते हैं। वहीं पर एक जगह पर लिलान भी अपनी बेटी युलान के साथ बैठा हुआ होता है और बोल रहा होता है कि आखिर मास्टर सुयांग कहां पर रह गए। अगर उनके यहां पर आने से पहले यह स्वॉर्ड कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो गया तो हम प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। वहीं पर थोड़ी दूरी पर जियान जाओ उस लड़की जियान यू के साथ खड़ा होता है और अब वह एक पर्सन की ओर देखते हुए उसे एक इशारा करता है। अब जियान जाओ का इशारा पाते ही वह पर्सन आगे बढ़ते हुए बोलता है तो यहाँ पर स्वॉर्ड कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होता है और आज के इस स्वॉर्ड कॉन्फ्रेंस का मेन हेड हमने मास्टर मोई जेंग जून को बनाया है। तो अब सभी लोग आगे आकर अपने फैमिली के द्वारा बनाए गए अपने अपने स्वॉर्ड्स को दिखा सकते हो। तभी एक पर्सन अपने स्वॉर्ड को लेकर आगे आता है और बोलता है कि यह स्वॉर्ड हमने हमारे सेक्ट के अंदर मौजूद स्पिरिचुअल स्टोन से बनाया है और द ग्रेट स्वॉर्ड मास्टर आंग जुंग ने 100 दिनों तक मेहनत करके इस स्वॉर्ड को बनाया है। यह स्वॉर्ड इतना ज्यादा पावरफुल है कि काफी आसानी से किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। तभी काफी तेजी से एक स्वॉर्ड उड़ते हुए आता है और उस पर्सन के स्वॉर्ड के 2 टुकड़े कर देता है और अब वह स्वॉर्ड सीधा मोए के पास जाकर रुकता है, जिसे देखकर मोए डर जाता है। अब एक पर्सन उड़ता हुआ वहां पर आता है और उस पर्सन को देखते हुए बोलता है, अभी तुम क्या बोल रहे थे, तुम्हारा यह स्वॉर्ड अपने एक ही अटैक में किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, पर तुम्हारा यह स्वॉर्ड मेरे स्वॉर्ड के सामने नहीं टिक पाया और टूट गया। अब वह पर्सन यह सब कुछ बोल ही रहा होता है कि तभी उसके गले पर आकर एक स्वॉर्ड पॉइंट हो जाता है और उसे पता भी नहीं चलता है, जो देखकर वह काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी उस जगह पर एक लेडी आते हुए बोलती है, क्या हुआ, मेरे स्वॉर्ड की पावर को देखकर तुम डर गए। मेरे स्वॉर्ड को यहाँ पर टोटल 18 फॉर्मेशन का यूज करते हुए बनाया गया है और मेरा यह स्वॉर्ड किसी भी पर्सन को जान से मार सकता है, वह भी उस पर्सन को बिना पता चले। तो मास्टर मोए, मेरे जियानफू स्वॉर्ड के बारे में आपका क्या ख्याल है? अभी मोए बोलता है, सच में तुम्हारा जियानफू स्वॉर्ड कमाल का है। तभी आसपास मौजूद सभी स्वॉर्ड वहां पर वाइब्रेट करने लगते हैं। यह देखकर किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है। अभी वह लेडी बोलती है, यह तो स्वॉर्ड क्राय है, यहाँ पर जरूर कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिट स्वॉर्ड मौजूद है, इसकी पावर को सेंस करके यह सभी स्वॉर्ड डर के मारे कांप रहे हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि युलान के हाथ में वह एशियंट स्वॉर्ड मौजूद होता है, जिसके अंदर से काफी खतरनाक ऑरा रिलीज हो रहा होता है और उसी ऑरा की वजह से आसपास मौजूद सभी स्वॉर्ड्स की हालत खराब हो रही होती है। वहीं पर युलान उस स्वॉर्ड को शांत करने की कोशिश कर रही होती है, पर वह उस स्वॉर्ड को कंट्रोल नहीं कर पाती है और अब वह स्वॉर्ड अपने आप ही हवा में उड़ते हुए अपनी पावर को रिलीज करता है। अब उसकी पावर को देखते ही वहां पर मौजूद सभी स्वॉर्ड नीचे गिर जाते हैं, जो देखकर सभी लोग बोलने लगते हैं, आखिर यह किस तरह का स्वॉर्ड है जिसके सामने हम सभी के स्वॉर्ड ने सरेंडर कर दिया। तभी मोए खड़ा होते हुए उस एशियंट स्वॉर्ड की ओर देखता है और अब वह बोलता है, यह स्वॉर्ड तो जेड फायर से बना हुआ है, साथ ही साथ इस स्वॉर्ड के अंदर 10,000 साल से भी ज्यादा पुराना एक बहुत ही खतरनाक स्पिरिट मौजूद है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और तभी वह ध्यान से देखते हुए बोलता है, यह तो हार्ट स्वॉर्ड है, आखिर जियान फैमिली के लोगों के पास यह हार्ट स्वॉर्ड कहां से आया। अब यह सुनते ही वहां पर बैठे सभी लोग जियान फैमिली की तारीफ करने लगते हैं, जो देखकर जियान जाओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह गुस्से में बोलता है, यह तो हमारे स्वॉर्ड टोम का चुराया गया स्वॉर्ड है, आखिर यह जियान फैमिली के पास कहां से आया। जरूर उस स्वॉर्ड थीफ ने जियान फैमिली के लोगों को यह स्वॉर्ड दिया होगा, मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी के अभी पूरे के पूरे जियान फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूं। तभी बगल में खड़ी जियान यू बोलती है, अभी तक यहां पर वह स्वॉर्ड थीफ नहीं आया है तो हमें उसके आने का इंतजार करना चाहिए। यह बोलते हुए वह एक इशारा करती है, जो देखते ही ग्राउंड में खड़ा वह पर्सन स्वॉर्ड की ओर आगे बढ़ते हुए बोलता है, यह तो एक लोअर स्पिरिट स्वॉर्ड है और मैंने आज से पहले इतना ज्यादा कमजोर स्वॉर्ड कभी नहीं देखा, मैंने बिल्कुल सही कहा ना मोजेंग। अब यह सुनते ही मोजेंग डर जाता है और अब वह उस स्वॉर्ड की ओर देखते हुए बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, इस स्वॉर्ड की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा बेकार है, तो यह कोई हायर स्पिरिट स्वॉर्ड नहीं हो सकता है, मैं इसकी ऑरा को देखकर यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। यह सुनते ही वहां पर खड़े सभी लोग बोलने लगते हैं, हमें लगा ही था कि यह कोई बहुत ही ज्यादा कमजोर स्वॉर्ड है, आखिर जियान फैमिली का मास्टर इतनी ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड कैसे बना सकता है। यह देखकर लियान घबरा जाता है और अब वह खड़ा होकर सफाई देने की कोशिश करता है, पर तभी युलान उसे रोक देती है और बोलती है कि फादर,
आपको यहाँ पर कुछ भी करने की कोई भी जरूरत नहीं। मास्टर सुयांग ने हमसे कहा था कि हम बस इस स्वॉर्ड को लेकर स्वॉर्ड कॉन्फ्रेंस में आकर इसे पेश करें। इसके अलावा हमारा यहाँ पर कोई भी काम नहीं है, तो हमें मास्टर सुयांग के प्लान के हिसाब से ही चलना चाहिए। यह सुनते ही लियान दोबारा से वहां पर बैठ जाता है। वहीं पर यह सब देखकर जियान जाओ को बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही होती है और अब वह बोलता है, इन लोगों का चेहरा देखकर पता नहीं मुझे सुकून क्यों मिल रहा है और मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी लियान को यहाँ पर तड़पा तड़पा कर मारूं, जो देखकर मुझे और भी ज्यादा खुशी मिलेगी। और यह बोलते हुए वह काफी तेजी से जंप करके ग्राउंड में चला जाता है। अब जियान जाओ को उस जगह पर देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी ग्राउंड में खड़ा वह पर्सन जियान जाओ के पास आते हुए बोलता है, मास्टर आखिर आपने यहाँ पर आने का कष्ट क्यों किया? आप मुझे बस इशारा कर देते, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लेता। तभी जियान जाओ उस पर्सन को पंच करते हुए दूर फेंक देता है और अब वह काफी तेजी से लियान के पास जाते हुए बोलता है, जियान फैमिली के हेड, अब तुम्हारा खेल यहाँ पर खत्म हुआ, तो अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो सोल स्वॉर्ड रिफाइनिंग टेक्निक को मेरे हवाले कर दो, वरना आज मैं यहाँ पर तुम्हें इन सभी लोगों के सामने तड़पा तड़पा कर मारूंगा। जो सुनते ही लियान काफी ज्यादा डर जाता है। तभी वहां पर चारों ओर मौजूद सभी स्वॉर्ड दोबारा से वाइब्रेट करने लगते हैं। यह देखकर सभी लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर इस बार लियान के पास मौजूद वह हार्ट स्वॉर्ड भी वाइब्रेट कर रहा होता है। तभी वहां पर आते हुए डीमन एम्परर बोलता है, यह कॉन्फ्रेंस यहीं पर खत्म हुआ। यह सुनते ही वहां पर बैठे हुए सभी लोग डीमन एम्परर की ओर देखते हैं। तभी वह देखते हैं कि डीमन एम्परर के ऊपर सुयांग खड़ा होता है और सुयांग के चारों ओर स्वॉर्ड टोम के अंदर मौजूद सभी 10,000 स्वॉर्ड होते हैं। यह देखते ही सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और अब वह बोलने लगते हैं, तो क्या यह वही स्वॉर्ड थीफ है जिसने स्वॉर्ड टोम के अंदर मौजूद सभी स्वॉर्ड्स को चुरा लिया था? अब सुयांग की पावर को देखकर मोए की हालत खराब हो जाती है और अब वह बोलने लगता है, आखिर यह पर्सन है कौन और यह पर्सन यहाँ पर स्वॉर्ड इमॉर्टल के द्वारा डिफाइन किए गए सभी 10,000 स्वॉर्ड्स को एक साथ कंट्रोल कर रहा है। जहाँ तक मुझे पता है आज तक स्वॉर्ड इमॉर्टल भी एक साथ पूरे के पूरे 10,000 स्वॉर्ड्स को कंट्रोल नहीं कर पाए थे। तभी जियान जाओ सुयांग की ओर देखते हुए बोलता है, स्वॉर्ड थीफ, तो फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, तो आज तुम्हारा सर काट कर मैं स्वॉर्ड गॉड के सामने पेश करूंगा, जिसके बाद ही मुझे यहाँ पर शांति मिलेगी। सुयांग बोलता है, तो तुम मुझे जान से मारना चाहते हो, ठीक है। यह बोलते हुए वह वहां पर चारों ओर मौजूद स्वॉर्ड्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और अब वह अपनी फ्यूजन रिफाइनिंग टेक्निक का यूज करते हुए उन सभी स्वॉर्ड्स को आपस में मर्ज करके एक काफी खतरनाक स्वॉर्ड बनाकर तैयार कर देता है। अब उस स्वॉर्ड को देखते ही मोए की हालत खराब हो जाती है और अब वह बोलने लगता है, यह तो एक स्पेशल क्लास किलर स्वॉर्ड है। अब यह सुनकर वहां पर बैठे हुए सभी लोग डर जाते हैं। तभी जियान जाओ चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे यकीन नहीं कि यह कोई किलर स्वॉर्ड है, आखिर कोई इंसान बस अपनी पावर का यूज करते हुए स्वॉर्ड को रिफाइन कैसे कर सकता है और तो और वह भी इतनी जल्दी। यह स्वॉर्ड थीफ जरूर हम सभी लोगों को इल्यूजन में फंसाने की कोशिश कर रहा है। मुझे यकीन नहीं कि अभी अभी इसने जिस स्वॉर्ड को बनाया है वह कोई किलर स्वॉर्ड है। तभी सुयांग बोलता है, तो फिर क्यों ना इस स्वॉर्ड की पावर को टेस्ट किया जाए। यह बोलते हुए वह काफी तेजी से जियान जाओ पर उस स्वॉर्ड से अटैक करता है, पर अचानक से वह स्वॉर्ड गायब हो जाता है। यह देखते ही जियान जाओ हंसते हुए बोलने लगता है, मैं बिल्कुल सही था, तुम बस यहाँ पर इल्यूजन क्रिएट कर रहे हो। तभी उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और अब वह वहां पर मारा जाता है। तभी सुयांग अपनी पावर का यूज करते हुए जियान यू को पकड़कर उसे ग्राउंड में ले आता है। अब यह देखते ही जियान यू सुयांग के सामने नील डाउन करते हुए बोलती है, मास्टर आप बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, पर मुझे यह नहीं पता कि आप यहाँ पर किस काम के लिए आए हो, क्या आप मेरे स्वॉर्ड टावर को ज्वाइन करना चाहते हो? तभी सुयांग काफी तेजी से उस किलर स्वॉर्ड को जियान यू की ओर फेंकता है, जिसे देखकर जियान यू डर जाती है, पर सुयांग उसे मारता नहीं है और अब वह उस स्वॉर्ड को जियान यू के सामने रखते हुए बोलता है, इस स्वॉर्ड को लेकर टियान सोंग के पास जाओ। यह सुनते ही आसपास खड़े सभी लोग डर जाते हैं और बोलने लगते हैं, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या यह पर्सन भी वूजी स्वॉर्ड टावर को ज्वाइन करने वाला है? अब तो यहाँ पर वूजी स्वॉर्ड टावर की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। वहीं पर सुयांग बोल रहा होता है, यह स्वॉर्ड टियान सोंग को दे देना और उससे कहना कि अगर 3 दिनों के अंदर वह इस स्वॉर्ड को कंट्रोल नहीं कर पाया तो मैं तुम्हारे पूरे सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।